जानते तो सभी हैं पर मानता कोई नहीं है, स्वीकार कोई भी नहीं करता। हमारे सामने चीज है, हमारे सामने रोटी है, सब्जी है, पानी है, सब कुछ है, हमें दिखाई दे रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे तो हमारी भूख मिटेगी, पानी पिएंगे तो हमारी प्यास मिटेगी, हमारा शरीर सही रहेगा, मगर हम इसको स्वीकार नहीं करते। अगर हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो हमें लाभ कैसे होगा, हमें तकलीफ ही होगी, शरीर को भी कष्ट होगा। जब शरीर हमारा, कहते हैं, असमर्थ हो जाएगा तो हमारा मन भी परेशान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ बातें हैं, कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी एक सुखी राम का दास। तो कहते हैं कि ये संसार है दुख से भरा हुआ है, ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, दुखों का पहाड़ है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। हर कोई जानता आग में कूदेंगे तो हमें जलना पड़ेगा, फिर भी हम कूद गए और जलने पे तकलीफ हो रही है तो हम हाहाकार कर रहे, चिल्ला रहे हैं। तो ये हमारी नासमझी कहे, बेवकूफी कहे या मूर्खता कहे। तो कहते हैं कि कुछ बातें हैं, अब जरा सोचो, महाभारत की बात करें तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे क्यों थे? तो एक कहानी सामने आई थी कि भीष्म पितामह पिछले जन्म में राजा थे, तो उनका काफिला जा रहा था कहीं घोड़सवारी करके, तो रास्ते में एक सांप मिला था, तो भीष्म पितामह ने उस सर्प को ऐसे करके उछाल दिया था और वो कांटों में बिंध गया था। और जितने ही दिन वो कांटों में रहा, प्राण नहीं निकले, तड़पता रहा, उतने ही दिन, क्योंकि वो उसका श्राप था, उतने ही दिन वो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे रहे, उसके बाद उनके प्राण गए, निकले। राजा दशरथ की बात करें तो अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के, मतलब तड़पे तो नहीं, मतलब पुत्र वियोग में, पुत्र के अंतिम, अब मैं अंतिम क्षण में अपने पुत्र के दर्शन भी नहीं कर पाए और वो प्राण त्याग दिए। वो ऐसा क्यों हुआ? सभी जानते हैं श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा हुआ था, जब गलती से राजा दशरथ जी जो पिछले जन्म में राजा थे, गलती से उन्होंने तीर मार दिया था श्रवण कुमार के, तो श्रवण कुमार की मौत हो गई थी। तो उन्होंने अपनी गलती मानी, मगर उन्होंने श्राप दे दिया माता पिता ने श्रवण कुमार के, कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प 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 रहा हूँ, इसी तरह तू भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो वो श्राप काम किया अगले जन्म में। और आपने सुना होगा रामायण की बात, माता सीता के दो पुत्र लव और कुश। जब ये गर्भवती थी तो आपको पता होगा कि श्री रामचंद्र जी ने अपने से दूर कर दिया था, तो कुटिया वन में रहे थे, वहाँ दोनों बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, उनको पता भी नहीं कि उनके पिता श्री रामचंद्र जी थे, बाद में पता चला। तो उस माता सीता जी को श्राप लगा हुआ था पिछले जन्म में, एक राजा की बेटी थी, पूरी तरह से कहानी याद नहीं, इतना पता है कि एक तोता और तोती की कहानी, एक तोती जो पेट से थी तो वो बहुत सुंदर थी, अच्छी लग रही थी सीता माता को, तो अपने साथ ले आई महल में, बोला मुझे तोते से अलग मत करो, वो तड़पेगा, मुझे भी तकलीफ होगी, मैं पेट से हूँ, मुझे मत ले जाओ। बोला नहीं, मैं तुम्हें सोने के पिंजड़े में रखूंगी, अपने महल में जो चाहो वो खिलाऊंगी, मगर आप मुझे अच्छे लगे मैं आपको लेके अवश्य जाऊंगी। तो नहीं मानी, तोती ने जन्म दिया और वो समझ गए। तो उसका श्राप लगा हुआ था कि जब तुम पेट से होगी तब तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी। तो ऐसे ही जो हम बताने वाले हैं, आपको अब बताने वाला हूं, ये सारी कहानियां हम सभी जानते हैं। सच यही है कि इस जन्म में हम जो, हमने पिछले जन्म में, कहते 84 लाख योनियों के बाद हम जो कर्मों का भुगतान करने, और कहते इसमें अपना बेड़ा पार करने आए हैं,
मगर फिर भी हम दुख और सुख में उलझ जाते हैं, भौतिक पदार्थों में उलझ जाते हैं। अगर आपको ये पता है कि हमारे साथ अनचाही बात हो रही है, अनचाहा कुछ हो रहा है, अरे ये तो सोचा भी नहीं था ऐसे होगा, तो ये कैसे हो गया? तो ये हमारे कुछ पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनका हमें कहते हैं, हम कई बार कह रहे भगवान पता नहीं कौन से जन्म का पाप हम पे है, किस जन्म का बदला ले रहे हो, तो वास्तव में हमें चुकाने आए हैं। हमें आभास हो जाता है पता नहीं कौन से कर्म हमारे हैं जो परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ती हमारा। तो ऐसे बहुत, कोई तन से दुखी रहता, कोई मन से, कोई धन से, तो ऐसे बहुत से होते हैं। कईयों हम तो पिछले जन्म में छीन छीन के खाया हो तो इस बार हम धन से दुखी रहते हैं। किसी को हमने बहुत शारीरिक तौर पर प्रताड़ना किया हो, मतलब दुख दिया हो, तो हम शारीरिक कष्ट परेशान रहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर सच्चाई को मान ले तो हम हमेशा सुखी रहेंगे कि ये भगवान कि सुख भी तेरे दुख भी तेरे, कि सुख दुख एक पहलू है, वही चक्की के पार्ट है, ऊपर सुख नीचे दुख, मतलब दोनों एक ही पार्ट है, और ना सुख रहता है और ना ही दुख रहता है, सुख भी चला जाता है दुख भी चला जाता है। अगर मन में हमारे अंदर ये विश्वास है कि जो हमारे साथ हो रहा है, तो भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान अगर आज आपका सही है तो कल भी आपका सही रहेगा। भूत की सवारी सवार होके भविष्य की दौड़ में दौड़ के कोई अपनी मंजिल नहीं पा सकता। तो हम लोग दुखी इसीलिए रहते हैं कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्म भूल जाते हैं। आभास तो हो जाता है, हे भगवान पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, ये यानी कि हमारे मुख से हमें एहसास हो जाता है यार होगा कुछ कुछ इस जन्म में भूल भैया से हमने किसी का बुरा कर दिया होगा, शारीरिक कष्ट दे दिया होगा, किसी छीन लिया होगा, किसी मार दिया होगा, ऐसे होता है। मैं भी मस्त रहता हूँ क्या ही पता है क्या करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन निरंकार जी। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन निरंकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार। तबीयत अपनी भी कुछ दिनों से ठीक नहीं है, 5 तारीख से ठीक नहीं तबीयत, पहले पेट में दर्द हुआ वो ठीक हुआ, फिर कुछ और हो गया, जुकाम हल्का सा हुआ, बुखार टाइप का आने लग गया, आज 5वां दिन हो गया। हो रहा तो हो रहा भाई, फिर भी कहते मन की अवस्था ठीक होनी चाहिए, दवाई खा लो, ये कर लो वो कर लो, पता नहीं मैंने भी किसी दवाई खिलाई हो पिछले जन्म में, कुछ किया होगा। तू ही निरंकार। तो कमेंट करके जरूर बताएं।